अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान टीम में ताबड़तोड़ तब्दीलियों का सिलसिला भी जारी है दोस्तों, और पूरा पाकिस्तान यानी पीसीबी मैनेजमेंट पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है पाकिस्तान टीम का, यानी कि कप्तान भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जो बॉलिंग कोच हैं वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हेड कोचेस वगैरह और सब, यानी कि पूरा सिस्टम रद्दोबदल हो चुका है। यानी अब कौन बनेगा, यानी कि किसको को कौन सा ओहदा मिल जाएगा, किसको बॉलिंग कोच का ओहदा मिलेगा और किसको कैप्टन बनाया जाएगा किस खिलाड़ी को, और क्या क्या, यानी कि पूरा पीसीबी सिस्टम नया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है पाकिस्तान की और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है, तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो में हम बताते चलें। दोस्तों, बाबर आजम का इस्तीफ़ा तो बस, यानी वो यूँ समझ लें कि उन्होंने बस अभी ऐलान करना है, और जो बॉलिंग कोच थे जिनका अफ्रीका से ताल्लुक़ था वो भी अब रिज़ाइन दे चुके हैं। और दोस्तों, इस तरह से चीफ सिलेक्टर ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इंज़माम उल्हक ने, उनका भी शायद हो जाएगा कि वो भी इस्तीफ़ा दे दें। और दोस्तों, पाकिस्तान टीम में 3 से 4 बड़ी तब्दीलियाँ भी होने जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भी, शायद सीरीज़ जो उनके ख़िलाफ़ खेलनी है पाकिस्तान टीम ने उसमें भी तब्दीली होगी। और कौन सा कप्तान होगा, रिजवान या शहीन या शान।